अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब लोगों को इंटरव्यू लेटर रिसीव हो जाता है उसके बाद बहुत सारे सवाल होते हैं उनको, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। उन सब में से एक अहम सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, आजकल कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, वो ये कि कौन कौन सी वैक्सीन हमें चाहिए होती हैं और जो है वैक्सीन के बारे में बताएं, पोलियो वैक्सीन और कोविड वैक्सीन के बारे में बताएं। तो जो उनके इन जनरल रूल्स हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाला है और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं वन ऑन वन कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज गूगल फॉर्म को जरूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन जनरल वैक्सीन के क्या रूल्स हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान में अगर आप फॉर एग्जाम्पल IR1 CR1 वीजा के लिए जा रहे हैं, फैमिली कैटेगरी के लिए जा रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी वैक्सीन चाहिए, पोलियो कोविड चाहिए, कहाँ से मिलती है, सर्टिफिकेट का क्या होगा, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जब आपका मेडिकल लेटर आपको मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो उस पर लिखा होता है कि वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो है वो आप लेके आइए वैक्सीन वाले दिन। वैक्सीन्स आपको बचपन में लगी होती हैं बहुत पहले जब आप काफ़ी छोटे होते हैं, अक्सर लोगों के पास उसके रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो अब मौजूद नहीं होते जब आप इंटरव्यू जब आप मेडिकल एग्जाम के लिए जाते हैं। ऐसे में ये होता है कि डॉक्टर जो है वो आपसे पूछता है कि आपके पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स हैं, अगर हैं तो सही है, अगर नहीं है वो उसी वक्त देखता है कि अपडेटेड जो गाइडलाइंस हैं US इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की उनके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी वैक्सीन्स की आपको ज़रूरत है, आपकी एज के लिहाज से आपकी कंट्री वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर वो आपको वैक्सीन जो है वो उसी वक्त ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन दे देते हैं। तो कुछ लोगों को 6 वैक्सीन्स लगती हैं, कुछ को 4 लगती हैं, वो देखता है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है जो पैनल फिजिशियन होता है। दो काम जो आपको पहले करने होते हैं इस मेडिकल एग्जाम से जो आपकी जिम्मेदारी है और आपको लाजमी लेके जाने हैं, जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो आपको उसी दिन दिए जाएंगे, ये आपको पहले से लेके जाने हैं अलोंग विद द वैक्सीनेशन कार्ड और सर्टिफिकेट, वो है पोलियो वैक्सीन और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। पोलियो वैक्सीन का एक कार्ड होता है आपके पास छोटा सा, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए जब आप मेडिकल एग्जाम में जाएंगे, और इसके साथ साथ जो आपकी कोविड वैक्सीनेशन का कार्ड होता है वो भी आपके पास होना चाहिए कि आप जो है वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। पोलियो वैक्सीन का जो कार्ड होता है वो कहाँ से बनता है, तो जी आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद आप वहाँ से पोलियो के वो आपको ड्रॉप्स देंगे और उसके बाद वो आपको कार्ड भी बना के दे देंगे। इसके साथ साथ आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, NIMS.NADRA करके एक वेबसाइट है, मैं आपको बता भी दूंगी, लिंक दे दूंगी, तो आप उससे खुद भी NIMS.NADRA करके कुछ इसी तरीके से है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देख लीजिएगा। उस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पोलियो का कार्ड हो गया, कोविड का आपका कार्ड हो गया, वो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना कार्ड। तो आप बेसिकली वैक्सीनेशन करवा लें और उसके बाद आप अपना कार्ड जो है वो उस वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल NADRA की वेबसाइट है, वहाँ से आप खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो एक अप टू डेट आपका कार्ड हो जाएगा। अच्छा, पोलियो वैक्सीन ट्रैवलिंग के लिए मस्ट है, आपके हर जगह चेक होती है, आपके पास होनी चाहिए पोलियो वैक्सीनेशन का कार्ड जब आप ट्रैवल भी करेंगे तब भी, और मेडिकल एग्जाम के लिए तो ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम कोविड वैक्सीन की। तो कोविड वैक्सीन के लिए जो रूल्स होते हैं वो पूरी दुनिया में डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट अप्लाई होते हैं। उसकी ज़रूरत ये होती है, US इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ जो होती हैं, US की जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो एक रूल तो बनाती हैं, लेकिन बहुत सारे ममालिक के अंदर कुछ वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ बूस्टर शॉट्स अवेलेबल होते हैं तो नहीं होते, तो इसलिए हम इन जनरल जायज़ा लेते हैं कि जो लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से क्या बताते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जैसे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमारे जो वैक्सीन के शॉट्स थे वो 2021 में हमने लगवाए थे, इंटरव्यू जो है वो 2024 में आ रहा है, तो क्या वो हमारा कोविड वैक्सीन का कार्ड जो है वो एक्सेप्ट होगा।
तो मैं सिर्फ उस तजुर्बे से बता रही हूँ जो लोग शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि इन जनरल वो एक्सेप्ट हो जाता है। कोविड के अगर आपने FDA WHO अप्रूव्ड वैक्सीन जो है वो लगाई हुई है, उनके दो शॉट्स लगाए हुए हैं, तो आपका वो चीज़ स्मूथली मेडिकल के अंदर क्रॉस हो जाती है। इंटरव्यू तक आप आराम से उसको पास आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी वैक्सीन आपने लगाई हैं जो कि WHO FDA अप्रूव नहीं है, या वो वाली भी नहीं है जो WHO जो है क्या कहते हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए अलाउ करता है, तो फिर आपको ये देखना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने पाक कसीनो की वैक्सीन लगवाई हुई थी, उसमें मैं मशवरा देती हूँ, और बहुत सारे लोग भी अपने तजुर्बे से बताते हैं कि हमने फिर बूस्टर शॉट एक ऐसी वैक्सीन का लगवा लिया जो कि FDA और WHO अप्रूव थी, तो भी उनका केस स्मूथली चल गया। अक्सर ऐसा होता है कि मेडिकल एग्जाम के बाद आपके जो मेडिकल का एक रिजल्ट देते हैं वो उस पर लिखा हुआ होता है कि ड्यू फॉर वन मोर बूस्टर शॉट, बट इट्स ओके, उसके बाद भी आपका मेडिकल पास हो जाता है और इंटरव्यू के अंदर भी वो चीज़ स्मूथली चल जाती है। तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस हो कि हमारी वैक्सीन अप्रूव्ड है नहीं है, हमने लगाई है, तो जो आपकी मेडिकल जहाँ पे आपने बुक कराया है आप वहाँ भी कॉल करके ये बात पहले से पूछ सकते हैं कि हमने ये वाली वैक्सीन लगवाई है, आया ये अप्रूव है या नहीं है। लेकिन आपने दो शॉट्स लगवा लिए अप्रूव्ड वैक्सीन के लगवा लिए, तो आई थिंक वो चीज़ स्मूथली चली जाएगी, फाइन होगी। और कार्ड के लिए यही होता है कि अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, आपका इंटरव्यू लेटर आ गया है, तो अब आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे मेडिकल अपॉइंटमेंट से तकरीबन 14 दिन पहले आपको कोविड का वैक्सीनेटेड होना चाहिए। तो मेडिकल एग्जाम से 14 दिन पहले ही आपको तकरीबन 2 वीक्स पहले इस काम से फारिग हो जाना चाहिए। इसलिए इंटरव्यू लेटर आते ही आपको चाहिए कि अगर आपकी वैक्सीन अब तक नहीं लगवाई हैं तो उनको लगा लें। सर्टिफिकेट या कार्ड जो वैक्सीन का होगा वो आप निम्स नादरा की वेबसाइट से जाके, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस मेक श्योर करें कि अप्रूव्ड वैक्सीन लगाएं, और मेक श्योर करें अगर अप्रूव नहीं लगाई है तो एक एहतियातन बूस्टर शॉट लगा लें, क्योंकि हम अपने इमिग्रेशन के केस को खुद ही स्मूथ बनाना चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि आगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो इंटरव्यू के टाइम पर या मेडिकल के टाइम पे। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करने से आपको ज्यादा फायदा होता है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा हासिल हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।